अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मॉमी ब्यूटी एंड हेल्थ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर करने जा रही हूँ, बल्कि टिप तो नहीं कहेंगे, एक पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को देने जा रही हूँ कॉलिक इशू का। बहुत ही इजी सी रेमेडी है, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है जो आपको घर पे इजीली मिल जाएगा किचन में, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक फीडर में जो है वो क्वांटिटी का अंदाज़ा करना है। आप लोग चाहे तो वैसे ही क्वांटिटी का अंदाज़ा कर सकते हैं, मैंने इसलिए दिया है फीडर का बताया है ताकि जो न्यू मॉम्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सारी चीज़ों में, मेजरमेंट्स वगैरह में, तो इस वजह से मैंने फीडर का अंदाज़ा लगाया कि आप 20 ml जो है वो आप वाटर लेंगे, ठीक है। उसमें सिर्फ 1 pinch आप जो है हल्की सी ज़ीरा डालेंगे, ठीक है, और इसको बॉईल करना है हमें आप, ठीक है। इसको हम इतना बॉईल करना है बस कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब आपको लगे कि इसका कलर चेंज होने लगा है तो आप इसको निकाल के छान लें, और अगर न्यू बॉर्न बेबी है लाइक 15 to 20 days का बेबी है तो आपको सिर्फ 10 ml उसको पिलाना है, ठीक है। और 6 month+ बेबी है तो आप 20 ml भी पिला सकते हैं। आप यकीन करें इतना इफ़ेक्टिव है, बेबी को कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा और कॉलिक इशू नहीं रहेगा, आपका बेबी सुकून से सोएगा आपके साथ। मेरे डॉक्टर ने मुझे एक सीरप रिकमेंड किया था, स्क्रीनशॉट इसका ये शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर सीरप वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करें। होम रेमेडीज़ जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और इसके साथ साथ ही मैंने कुछ मसाज टेक्निक्स भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ जाके मसाज टेक्निक्स भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।